नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियोस। तो आज के इस वीडियोस में हम बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन के साथ आए हुए हैं। वो जानकारी आप लोगों को बेहद फायदेमंद हो जाएगी। आधार कार्ड से ही रिलेटेड है, जैसे अदरवाइज होती हैं और सारी बहुत ही। तो आज के इस वीडियोज में हम जानने वाले ये हैं कि कोई भी अगर प्रूफ हमारे पास ना हो तो आधार कार्ड को हम आसानी से कैसे पा सकते हैं। यह बात आपको सुनने में बहुत ही अजीब लग सकती है क्योंकि आपको आधार कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये लाइव आपको आधार निकाल कर बिना प्रूफ के देने वाला हूं। ओनली मोबाइल नंबर से, सिर्फ मोबाइल नंबर आपका अपडेट है, आपको क्लियरली पता है कि हाँ हमारे आधार कार्ड पे ये वाला मोबाइल नंबर अपडेट है, तो हम आपका बिना प्रूफ के आधार कार्ड निकाल के डाउनलोड करके आपको पीडीएफ फाइल में हम दिखा देंगे इसी वीडियोज में। तो यह वीडियो सिर्फ इस वजह से बनाया है क्योंकि लोगों का कहना है कि मेरे पास अगर कोई प्रूफ ना हो तो हम आधार कार्ड को इजीली तरीके से कैसे पा सकें। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनका आधार कार्ड नंबर भी नहीं है और सारी चीजें गुम हो चुकी हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर उनका चल रहा है। तो यह वीडियो सब लोग आप देख करके ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो हम यह वीडियोज आपको मोबाइल फोन पे भी दिखा सकते हैं और लैपटॉप पे भी दिखा सकते हैं। जैसे हम आपको लैपटॉप में इस वजह से दिखाते हैं क्योंकि वहां पे फॉन्ट्स बड़े होते हैं तो चीजें अच्छे से समझ आ जाती हैं। बाकी के जो मोबाइल फोन पे हम दिखाते हैं उसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है। कारण यह होता है कि उसका आप रेशियो नहीं बढ़ा पाते हैं, उसकी HD क्वालिटी और उसको सही से नहीं चलाते हैं। इस वजह से मेरा ये मोबाइल फोन से बना हुआ वीडियोज नहीं दिखता। आप उसका क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो मोबाइल फोन पे भी जो भी हम डालेंगे वो आपको मेंशन होता रहेगा, अच्छे से दिखेगा। तो हम यह वीडियो लैपटॉप पे दिखाएंगे और ये ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और ये बड़ा हो भी सकता है क्योंकि मुझे क्या करना है, आधार को तलाशना है, उसे कंप्लीटली निकालना है, निकालने के बाद उसे डाउनलोड भी करना है। डाउनलोड करने के टाइम तो आपको पता ही बहुत ही प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम हम सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट होने की वजह से सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए अभी आप, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम सभी लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब खोया हुआ आधार बहुत ही प्रॉब्लम होती है, अगर पता ना हो तो काफी पैसे भी खर्च कर दिए जाते हैं और दौड़ना भागना तो अलग से ही रहता है। इस वजह से हम ये वीडियोस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे। जिन लोगों को भी कभी ऐसा प्रॉब्लम इशू हो, कैसा कुछ भी दिक्कत आए, तो आप इस वीडियोज के माध्यम से बहुत आसानी से अपना आधार कार्ड घर बैठे मोबाइल फोन से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम करेंगे क्या, सीधा सिंपल सा है फंडा। हम अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन में गूगल की क्रोम साइड में जाएंगे और जैसे जैसे हम स्टेप को बताएंगे आप उन्हीं स्टेप को फॉलो करके आसानी से निकाल सकते हैं। जल्दबाजी कोई करनी ही नहीं है, बस सिंपली मोबाइल फोन उठाना है और गूगल की साइड में जाना है। गूगल क्रोम ऐसा दिखेगा जब भी किसी का होगा तो उसमें हमें सर्च करना रहता है UIDAI। आधार का कोई भी हम काम करेंगे तो UIDAI, ये नीचे आप देख पा रहे होंगे कई सारी, यहाँ तक सब वही A to Z ओपन हुई है। इसमें किसी में हम क्लिक कर देंगे तो जो इसका मेन वेबसाइट होता है वो ऊपर आपको ऐसा दिखेगा UIDAI ये वाला। तो यहाँ सिंपली क्लिक करोगे, फिर क्लिक इस पे करना होगा। आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो भी आपको फिंगर आपको यहीं टच करना रहेगा, फिर इस फिंगर को यहाँ फिंगर टच करेंगे तो जब नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो फिर हम आगे का काम तभी बता सकते हैं जब इसका नेटवर्क चलेगा। इसका बकवास नेटवर्क रहता है ये तो आप मान लीजिए, सर्वर इतना बिजी रहता है बस। तो फिर आगे आप ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, आप चाहे मोबाइल फोन में हो, चाहे लैपटॉप में, चाहे डेस्कटॉप में हो, आपको हमेशा सेम चीजें ओपन होती दिखेंगी। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन में होंगे तो सब कंप्लीट करके इस वाले पेज पे आएंगे। इस वाले पेज पे जब आएंगे तो ऐसा आपको वहां पे मेंशन होगा। मेंशन होने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे को तो आपको वहां एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट आधार, उसके बाद नीचे मिलेगा गेट आधार, फिर मिलेगा आधार सर्विस। ये तीन ही ये डिवाइड हैं अलग अलग, और इसमें जो ऊपर से ये अपडेट आधार के बाद जो गेट आधार वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड आपको देखने को मिल रहा होगा, कहीं पे डाउनलोड दिख रहा होगा, आपको भी अपने फोन में डाउनलोड मिलेगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे सिंपल करना है क्लिक। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा आपके फोन में, सेम ऐसा ये फिंगर बना होगा, आपको यहाँ पहुँचना रहता है। फिर थोड़ा सा अपने फिंगर की मदद से ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद आप कहीं पे ये वाला ऑप्शन देखेंगे, रिट्रीव ईआईडी आधार नंबर। इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना रहता है, ऐसा वाला
पूरा हमारा पेज आएगा मोबाइल फोन पे, फिर उसको हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर को थोड़ा सा, और फिर आपको ये वाला रेट्रीव AEID आधार नंबर इस वाले ऑप्शन पे सिंपली करना रहता है क्लिक। यहाँ क्लिक करोगे तो ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, अपने फोन में हो चाहे आपका लैपटॉप में, हम बता रहे हैं सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हम लैपटॉप पे इस वजह से दिखाते हैं ताकि इसके फॉन्ट समझ में आए, इसको हम जब वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं, उस वाले फोन में थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं देती, इस वजह से। तो यहाँ हम लोग ऐसे पहुंचेंगे। अब जिसका भी हमें निकालना है, डाउनलोड करना है, कोई प्रूफ है नहीं मोबाइल नंबर के सिवा, मोबाइल नंबर तो हाँ होना ही चाहिए, वही तभी तो निकलेगा। अब मोबाइल नंबर हमारे पास चलता हुआ हो उस पे OTP जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, मोबाइल नंबर हाथ में लीजिए जिस पे OTP जानी है, और जिनका आप आधार कार्ड निकाल रहे हैं उनका नाम यहाँ डालेंगे ऊपर, जिनका भी निकाल रहे हैं तो उनका नाम, मान लीजिए हम अपना ही तो निकाल के दिखा पाएंगे, तो हम यहाँ अपना नाम डाल दें, ऐसे करके आप अपना नाम इस वाले में डाल दीजिएगा जिनका निकालना है। फिर नीचे यहाँ मोबाइल नंबर आपको भरना रहता है, तो मोबाइल नंबर में जो भी मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड पे अपडेट था उसी मोबाइल नंबर को इसमें भरना रहता है। आधार पे मोबाइल नंबर अपडेट कौन सा है, कैसे पता करना है, ये हमने वीडियोस बना के डाल रखे हैं ऑलरेडी, और अगर आपको ना पता हो तो मैं ये ऊपर एक वीडियोस लगा दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करिए और अभी चेक कर लीजिए कौन सा मोबाइल नंबर कहाँ लगा है कैसे, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वीडियोस मेरा चल रहा है अभी, बैनर ऊपर वीडियोस का दिख रहा है, ये अभी अपडेट हुआ है, तो इस वाले पे आप क्लिक करके आधार पे नंबर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आधार पे नंबर वाला आप यहाँ डाल देंगे, फिर नीचे चले आएंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप में हमें काम करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हमें ये वाला कैप्चा दे देना है। ये जो कैप्चा आप देख रहे हैं यहाँ, सिंपली हमें ये भरना रहता है। तो जो भी दिखाई दे रहा है, एस है, एम है, और ये अपना डी है, और ये फिर वी है, और फिर ई है, और के, यहाँ पे सारे अक्षर जितने भी थे ये सब स्मॉल लेटर में थे, ये आपको बड़े अक्षरों में भी मिल सकता है, छोटे अक्षरों में भी मिल सकता है, तो जैसा यहाँ दिखे वैसा यहाँ भरिएगा आप। फिर जाके सेंड OTP पे सिंपली करना है क्लिक। जब OTP पे सेंड करेंगे तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उसी पे ये OTP चला जाएगा। अब जब आप मोबाइल हाथ में रखे होंगे तो OTP जाएगा, और अगर नहीं होगा तो OTP जहां होगा वहां जाएगा। तो OTP आप तैयार रखिएगा, उनसे कॉल पे उनसे बात कर लीजिएगा कि OTP दीजिए हम निकाल रहे हैं, तो OTP सिंपली यहां भर देनी है। तो OTP जो भी है हम यहां भरते हैं, ये OTP हमने डाल रखी है 44204। फिर यहाँ सबमिट नीचे आपको दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करोगे OTP डालेंगे, फिर ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस आपको देखने को मिला है, और इसमें क्या लिखा है ये चीजें आप देख लीजिए। यहाँ लिखा है योर आधार नंबर इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था जिसपे अभी OTP गई थी, या आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड था सेम नंबर पे आधार नंबर सेंड कर दिया जाता है। यहाँ आधार नंबर ये वाला सेंड हुआ है, इसका आगे का क्रॉस कर दिया गया है, और लास्ट के 4 डिजिट यहाँ दिखाए गए हैं कि आपका आधार नंबर में लास्ट में 1970 था। तो जी हाँ, हमारा जो आधार कार्ड का नंबर है उसमें हमारे में लास्ट में 1970 है, तो यही आपको दिखाया गया। अब उस वाले मोबाइल के SMS में आधार नंबर पूरा दिखाई देगा, जो नंबर आप यहाँ पे डाले थे और जिसपे वो आधार नंबर रजिस्टर्ड पे भेजा गया। आधार नंबर देखिए लिखा है यूअर आधार नंबर इज सेंड टू यूअर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वहां ये आपको पूरा आधार नंबर दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, उस वाले मैसेज से आपको पूरा आधार नंबर निकाल लेना है। ये हमारे पास आया है, चलो हम यहाँ इसको रोक करके आपको आगे का काम अपने मोबाइल फोन पे थोड़ा सा दिखा दें कि हमारे पास वो आधार नंबर कहाँ गया। मोबाइल फोन आपकी आंखों के सामने, अब यहाँ हमारा वो आधार नंबर टेक्स्ट SMS में आ चुका है। टेक्स्ट SMS आपको पता ही, हमारे मैसेज में जाते हैं, ये हमारा मैसेज रहा, और ऊपर देख रहे हैं आप ये हमने आधार नंबर ओपन कर दिया। यहाँ सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ऊपर जो OTP हमारा आया था वो भी, अब नीचे हमारा डियर रेजिडेंस और आधार नंबर भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा वही आधार नंबर मेंशन हुआ है, और लास्ट में हमारे जो 1970 करके था वो भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पे 1970 नहीं, आप उसमें देखे थे हमारे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1970 का ऑप्शन दिया हुआ है। सॉरी रुकिए, मैं इसको थोड़ा क्रॉस कर दूँ, सही से दिखा ही दूँ, अब जब दिखा रहे हैं देखिए ये 1970 हमारा दिखाई दे रहा है आपको। ये हमारा पूरा आधार नंबर, यहाँ से हम इसे लिख लेते हैं या तो फिर कर देते हैं इसे कॉपी, या तो फिर अपने ही फ़ोन में है तो इस पर हम कॉपी करके इसको अब इसको हम निकालते हैं आधार को PDF में कम्प्लीटली।
तो हम आगे का काम लैपटॉप पे ही करेंगे क्योंकि वहाँ अच्छे से हमें समझ आता है और हमें चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं। इस वजह से हम चलते हैं फिर से अपने लैपटॉप की स्क्रीन। तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब जो आधार नंबर अभी हम वहाँ पे देखे थे उससे हमें अब आधार निकालना है। आधार कैसे निकलेगा ये भी हम इसी वीडियोज में बता दें, और ज़्यादा बहुत ही बड़ा वीडियोज वैसे भी नहीं करना, मेरा लगभग वीडियो फिनिश ही हो चुका है, लेकिन अब बाल की खाल निकालने में कोई कसर रखनी नहीं है। मैंने बात जो कर दी है थंबनेल में या जो भी मैंने मुंह से बोला है वो प्रॉपर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियोज देखें और आएँ और उसके बाद हम कहें कुछ और हो, कुछ और थंबनेल पे कुछ और देखें, यहाँ कुछ और हो, आप नाराज़ होकर चले जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ना किए, अनसब्सक्राइब कर दें, लाइक भी ना करें, कई चीज़ों का दिक्कत हो। तो इस वजह से मैं ऐसे ऑडियंस को टारगेट करता हूं जो जिनका मैं दिल जीत सकूं और उनका मैं हेल्प कर सकूं अपने वीडियो के माध्यम से। इतना बिजी टाइम आप लोग मुझे देते हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए चलते हैं डाउनलोड करने के प्रोसेस पे। तो डाउनलोड में क्या रहता है, आधार नंबर आपका आपके पास आ चुका है। अब जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक बार सब कर देते हैं कैंसिलेशन में। कैंसिल करने के बाद जब डाउनलोड करना रहेगा तो वहीं से हमें फिर से सेम वही UIDAI वाला साइट है। हम देखो शुरू से इस वजह से बता दें ताकि कुछ लोग हैं जिनको ना भी समझ आए तो भी समझ लें, कुछ लोगों को तो पता वहीं से सारा काम वहीं से हो जाता, लेकिन मैंने फिर से सारा प्रोसेस शुरू किया ताकि कोई दिक्कत ना। अब यहाँ क्या करना रहेगा, हमको वही सारी चीज़ें UIDAI सर्च करना होगा, उसकी मेन वेबसाइट है, मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वही सर्वर वाला ऊपर यहाँ देख रहे हैं ये ब्राउज कर रहा है और यहाँ हमने साइट पे विजिट कर दिया है। विजिट करने के बाद हम डाउनलोड करना शुरू करते हैं। तो कैसे क्या होगा, मान लीजिए आप आधार नंबर से डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही झंझट रहता है। झंझट ये है जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद जब उसका पासवर्ड बनाएंगे तो नाम के चार अक्षर लगते हैं पहले वाले, हमें उसी में डालने रहते हैं कैपिटल लेटर में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी होती तब आपका आधार PDF में ओपन हो पाता है। अगर आप आधार का डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं और नाम तो चलो जानते होंगे तभी निकाल पाएंगे, अन्यथा कभी ऐसा हो जाए कि आपको नाम ना पता हो और आधार नंबर ही हो सिर्फ और डाउनलोड करना हो तो आधार नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम तो ये पूरा प्रोसेस लेकर चले हैं कि बिना प्रूफ के कैसे डाउनलोड करें, तो हम अपना ये काम करते हैं बिना प्रूफ के डाउनलोडिंग वाला। तो जैसे मान लीजिए सिर्फ आधार नंबर है तो हम पासवर्ड बनाएंगे तो किसी का निकाल रहे हों, मान लो जिसको अपना नाम भी कन्फर्म ना हो, नाम तो चलो कन्फर्म हो जाए, अगर कुछ स्पेलिंग मिसमैच हो AVA ऐसा करके कुछ भी तब कैसे निकलेगा। और अगर मान लीजिए नाम उसको पता भी है तो अब यार डेट ऑफ बर्थ तो पता होनी चाहिए, वो भी कंफर्म नहीं होगी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का पड़ता है ईयर, जैसे सन 2005 है, 1995 है, 2006 है, समथिंग ऐसा करके कुछ भी है वो डालना रहता है चार अक्षर के साथ में। तो हम आगे आपको ऐसा कुछ सिस्टम बताएंगे कि सिर्फ आधार नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ और दुनियादारी सब देख लीजिए, उसके बाद आप सबमिट कर लीजिए। तो हमने जो प्रोसेस बताया है वो आप इसी में देख लीजिए। अब हम वहाँ पहुँचे हैं, चलिए शुरू करते हैं आगे का काम। तो हम डाउनलोडिंग पे आते हैं, आधार डाउनलोड यहाँ पे मान लीजिए हम इसको हिंदी में, ये अपने आप है, अभी हम इसको इंग्लिश में बाद में किए थे, हुआ नहीं था तो हम छोड़ दिए हैं। यहाँ पे आपको इसी वाले ऑप्शन में रहना है और यहाँ आपको आधार डाउनलोड आधार पे क्लिक करना रहता है। डाउनलोड आधार पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो के आता है। तो यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपको और वो उसका नाम वगैरह नहीं मिलेगा, तब फिर उसको बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ से कभी डाउनलोड नहीं करना, यहाँ से तब डाउनलोड करना है जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम कन्फर्म पता है, तब यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, एनरोलमेंट से कर लीजिए, वर्चुअल ID से कर लीजिए और आधार नंबर से कर लीजिए। अब इनरोलमेंट क्या है, जब नया बनवाते हैं तो रिसीविंग पे मिलता है, करेक्शन करवाते हैं तब भी मिलता है। वर्चुअल ID क्या है, ये भी आपके आधार कार्ड पे पड़ी होती है। मैं वर्चुअल ID पे बहुत जल्दी वीडियोस बनाने वाला हूँ, इसका भी मैं आपको बता दूँ, ये भी वर्चुअल ID भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इसके बारे में बहुत ही जल्दी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये वीडियोज़ फिनिश हो उसके बाद मैं इसको पूरी तरीके से सर्च कर लूँ, फिर मैं वर्चुअल ID के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए यहाँ से हम इसे करते हैं फिनिश और हम बिना डेट ऑफ बर्थ को जाने हुए, नाम को जाने हुए आधार को निकालना चाहते हैं। तो वैसे तो आधार निकलता नहीं, अगर आप यहाँ से मान लीजिए डाउनलोड भी हम कर लिए, यहाँ आधार नंबर भरेंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे, OTP सेंड कर देंगे और हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन उसे ओपन करने में लगेगा पासवर्ड, पासवर्ड में रहता है मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का ईयर, तो ये सब हमारे पास नहीं है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम कैंसिल करते हैं और ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ से हमारा ये डाउनलोडिंग फिनिश हो जाए। तो सिंपली हम इसको पहले तो हम ब्राउज करके इसको, तो आगे का काम
शुरू हो चुका है। तो हम लोग फिर से यहाँ से पहुंचे, अब हम डाउनलोड करने के लिए पहले तो हम इसे इंग्लिश में करेंगे क्योंकि भाई मेरा है हिंदी में थोड़ा पता ही नहीं चलता क्या कह रहा है। गूगल का हिंदी बहुत ही टफ रहता है उसको, बस ये नहीं कि हम इंग्लिश बहुत फास्ट कहते हैं, मुझे इंग्लिश ही पता है, बट ये गूगल का हिंदी मुझे बहुत ही बोरियत लगता है, वो समझ ही नहीं आता कह क्या रहा कर क्या रहा है। तो हम अब करते हैं यहाँ पे अपना काम शुरू। तो हम बिना उसके डाउनलोड करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ नाम के, तो हम यहाँ सिंपली देखे अगर हिंदी में है तो ऐसा दिखेगा हमको यहाँ पे दूसरा आधार प्राप्त करें, आधार डाउनलोड करें, आधार पीवीसी कार्ड। तो चलो आधार पीवीसी कार्ड पे ही क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें थम्स वाला चाहिए। ये जब होगा यहाँ पे आप ये लॉगिन वाला ले आइएगा, लॉगिन से हमें आधार का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो लॉगिन पे सिंपली करोगे क्लिक, इस वाले थैम पे यहाँ क्लिक करोगे, वही आधार कार्ड जो आपके मैसेज पे था उसे यहाँ भरना है आपको। डाल दिए हम आधार कार्ड नंबर जिसका भी हम निकाल रहे थे, फिर ये ऊपर वाला कैप्चा हमें इसमें सिंपली कर देना है फिल। देखिए जैसे जैसे अक्षर बने से मैंने वैसे ही डाला भाई, कुछ भी मिक्सिंग नहीं की हमने। फिर सेंड ओटीपी पे करना है क्लिक, ओटीपी हमारा उसी नंबर पे फिर जाएगा जिस वाले नंबर पे हम अभी वो कर रहे रहते। तो ये ओटीपी हमें यहाँ फिर भरना रहता है इसका ज्यादा, देखिए ऊपर यहाँ पे 52 सेकंड का दिखा रहा है, इतनी जल्दी में ये ओटीपी पड़ जानी चाहिए, नहीं तो ये आपको कैंसिल भी हो सकता है। तो हम फिर यहाँ पे ओटीपी जो रजिस्टर्ड नंबर था उस पे भेजे हैं हम, वो ओटीपी हमें मिल चुका है, हम यहाँ पे ओटीपी फिल की दें। ओटीपी भरने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यू आर। तो हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ हमें डाउनलोड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें डाउनलोड पीडीएफ में करना है, तो डेट ऑफ बर्थ नाम निकालना है। तो कर्सर हमारा देखते रहिएगा कहाँ जा रहा है, यहाँ आपको हमारा इमेज दिख रहा होगा इस वाले जगह पे जहाँ फिंगर है। आप मोबाइल फोन में होंगे तब भी जब लॉगिन करके ओटीपी सबमिट करेंगे तो यहाँ आपको ऐसा दिखेगा आपका फोटो, तो वहां फिंगर ऐसे टच करोगे तो देखना हमारा सब कुछ दिख गया, हमारा नाम दिख गया, हमारा डेट ऑफ बर्थ दिख गया। अब क्या करना है ये हमें याद कर लेना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि हमें पीडीएफ में अभी काम आना है इसको, तो हम याद कर लेंगे पीडीएफ में से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे अपने पेन से, फिर उसके बाद इसको हम सिंपली छिपा देंगे। और उसके बाद यहाँ नीचे डाउनलोड आधार आपको दिख रहा है, इसको पीडीएफ में हमें करना है ना कंप्लीट बाहर निकालना है आधार, तो हमें डाउनलोड आधार पे सिंपली कर देना है क्लिक। देखिए हमारा पूरा कंप्लीटली हो चुका है, यहाँ पे ओपन नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ सिंपली डाउनलोड पे कर देंगे क्लिक, अब ये डाउनलोड हमारा आधार कार्ड कंप्लीट हो चुका है। देखिए कंग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड, और यहाँ पे बता भी रहा है द आधार लेटर पीडीएफ पासवर्ड विल बी इन 8 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स भरोगे ही तभी आपका आधार कार्ड ओपन होगा। और ये देखिए कॉम्बिनेशन मतलब मिलाना क्या है, ऑफ द फर्स्ट योर लेटर ऑफ योर नेम, पहले लेटर में आप अपने नेम नाम के 4 अक्षर डालेंगे, एस इन आधार इन कैपिटल लेटर्स ऑफ एंड ईयर ऑफ बर्थ, लास्ट का जो साल होता है आप वो भी डालेंगे तब खुलेगा, यह सब कुछ बताता रहता है। लेकिन जैसे नहीं किसी को पता तो हम बताते हैं हिंदी में, अब यहाँ हमें उसी पे इसको ओपन करना है। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो वही जो हम अभी स्क्रीनशॉट लेने के बारे में बता रहे थे नाम और पासवर्ड, तो हम यहाँ अपना नाम के 4 अक्षर भरेंगे, पहले PAVA पवन मेरा नाम है, 5 अक्षर होते हैं, एन हमने साइड कर दिया 4 भर दिए, इसी में हम अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का वो भी डालेंगे, हमने 8 कैरेक्टर डाल दिए हैं। अब इस सबमिट पे करोगे क्लिक, ऐसे आपका आधार सामने आ जाएगा, आप इसे पीडीएफ बनाइए तुरंत, और पीडीएफ बना के आप आसानी से इसे प्रिंट करवाइए, अपने घर में रखिए और अपने फोन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब आप लाइव देख लीजिए, वो सेम आपका सारा प्रोसीजर हो चुका है, हमने पूरी तरीके से आपको वीडियोस बना दिया है। बाकी अब इतनी सारी मेहनत का अगर कुछ आप देना चाहते हैं तो बस आपसे एक लाइक चाहिए, और अगर कुछ वीडियोस में सुधार करना चाहिए क्या गलत और क्या सही, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके सवालों के लिए खाली है, आप उसमें अपने सवाल जवाब भर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर कभी ऐसे ही शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अपना ख्याल रखिए।